Dr. Bharti Parveen Pawar, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on Saturday said that 292 crores will be provided for building of Charchanpur Medical College. The funds will be provided on center-state sharing of 90% by center and 10% by the state. The Union Minister of State is in Imphal participating at a seminar on Union Budget 2023-24 held at JN Dance Academy in Imphal West. On question raised by Hornbill TV about the reduction of funds, MNREGA in Union Budget 2023-24, she said people should not worry about allocation of separate funds as central government will provide funds according to the works they have done or according to the requirements. मणिपुर के लिए एनएचएम के माध्यम से 192 करोड़ का प्रोविजन हुआ है मणिपुर के लिए ईसीआरपी 1 और 2 में मतलब जो कोविड का संकट आया उसके बाद जो बजट दिया गया इमरजेंसी कोविड प्रिपरेशन पैकेज जिसमें वैक्सीन हो जिसमें मेडिसिन हो जिसमें हमारे पीपी किट वेंटिलेटर ऑक्सीजन का व्यवस्था प्लांट इसको भी ध्यान में रखते हुए ये लगभग हमारा ईसीआरपी 1 जो था वो 21 करोड़ उसके बाद जो ईसीआरपी 2 आया वो 98 करोड़ हमने मणिपुर को एलोकेट किया था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये ऐसा मिशन है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए है जिसमें आधुनिक लैब बनेगी वार्ड्स बनेंगे अच्छे हॉस्पिटल का सुविधा बढ़ेगी इसको ध्यान में रखते हुए मणिपुर को 21 करोड़ का बजट मिला है उसके अलावा 15 फाइनेंस के माध्यम से मणिपुर के लिए दो बार मतलब 2021-22 और 22-23 ऐसे 42 करोड़ लगभग 84 करोड़ का बजट मिला है उसके अलावा मणिपुर के लिए नए जो जीएमसी बना चूराचंद्रपुर में उसके लिए केंद्र सरकार ने जो बजट दिया वो 292 करोड़ का है जवाहरलाल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में जो बना वो वहाँ पे जो बच्चों के यूजी सीट्स हैं एमबीबीएस के सीट्स वो 100 थे वो बढ़ा के अभी सरकार ने 150 किए हैं उसके लिए भी 54 करोड़ का बजट दिया गया है और उसके अलावा हमारा रिम्स का बजट जो है वो 560 करोड़ का है ऐसे अनेक जो मैंने स्पेशल अभी बोला वो हेल्थ सेक्टर का था तो यही एक आज की मीटिंग की हमारी ये मिलने का ये था कि ये बजट ये बहुत ही अच्छा अमृतकाल का बजट है Minister of State Bharti Parveen highlighted the significance of Union Budget recently presented by Nirmala Sitharaman in the Parliament. She further highlighted the funds provided by central government to Manipur, particularly through the Ministry of Health and Family Welfare, both during COVID period and post-COVID period. The seminar was participated by Chief Minister N. Biren Singh, Party President A. Sharda Devi, along with other eminent personalities.